नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में जो बम्पर भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जो भी छात्र यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अभी जो है आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे जारी हो चुका है। बिहार पुलिस में लगभग 21,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। मैं आप लोग को फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से ये बहाली निकल के आई हुई है, किस तरीके से आप लोग का भर्ती होने वाली है, कब से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, सारा कुछ मैं आप लोग को यहां पे बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे जो आप लोग का भर्ती निकाली गई है, इसमें अगर आप सिर्फ इंटर पास हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है आप लोग का सिपाही का जो भर्ती है वहां पे निकाला गया है, यानी कि कांस्टेबल के पद पे यहां पे बहाली होने वाली है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप यहां पे देख पाओगे। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से फुल डिटेल में यहां पे जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जिसमें बताया गया केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यहां पे जो है आप लोग का जारी किया गया है। नीचे आप लोग यहां पे जानकारी दिया गया है कि बिहार पुलिस के सिपाही सवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। तो इस प्रकार से आप लोगों को सूचना यहां पे जारी किया गया है। यहां पे आप लोगों को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 20/7/2023 यहां पे रखा गया है, यानी कि आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 20/7/2023 तक यहां पे रहने वाला है। 20/7 तक आप यहां पे आवेदन कर पाइएगा। नीचे आप लोगों का जानकारी दिया गया विज्ञापन संख्या, तो 1/2023 आप लोगों का विज्ञापन संख्या रहने वाला है। यहां पे बताया गया कि बिहार पुलिस के सिपाही समान सशस्त्र में विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद वेतनमान लेवल यहां पे 3 रहने वाला है, जिसमें कि सैलरी जो है आप लोग का 21,700 से लेकर जो है 69,100 रुपये आप लोग यहां पे रहने वाला है। कि रिक्तियों की संख्या, यहां पे जो टोटल आप लोग का पोस्ट रहने वाला है वो 21,391 पद यहां पे रहने वाला है। तो इतना पद पे आप लोग का जो बहाली वहां पे आप लोग का होने वाली है। सबसे पहले यहां पे जानकारी दिया गया कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो है यहां पे आप लोग का जारी किया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। यानी दोस्तों, यहां पे क्या है कि 20 तारीख से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन वहां पे शुरू होने वाला है। लगभग मान सकते हैं कि 10-11 दिन आप लोग का और समय है, जो आप लोग का आवेदन है वो यहां पे शुरू कर दिया जाएगा। यही जो आप लोग का 20 आने वाला है, इसी 20 में आप लोग यहां पे ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है और उसी के बारे में आप लोग को पूरा यहां पे जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहां पे देखिए दोस्तों, आप लोग का नीचे जानकारी दिया गया है, यहां पे आप लोग का जानकारी दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे जो आवेदन है वो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे आप लोग का जो CSBC का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ में यहाँ पे बता दोस्तों कि जिला पुलिस, बिहार सशस्त्र पुलिस संप्रति, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एवं अन्य इकाइयों की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर चयन परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। यहां पे आप लोगों को बताया कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत समर्पित आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें यहां पे आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होगा, फिर आप लोगों का एक रिटर्न एग्जाम यहां पे होने वाला है, तो आगे यहां पे जो है पीटी यहां पे लिया जाएगा। यहां पे आप लोगों को जानकारी दिया गया कि पाठ्यक्रम क्या-क्या आप लोगों का यहां पे सिलेबस रहने वाला है वो आप लोगों को यहां पे बताया गया। आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी सिलेबस आप लोगों का यहां पे रहने वाला है दोस्तों, वो आप लोगों का मैट्रिक लेवल कहां पे रहने वाला है। यहां पे देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक का जो आप लोगों का है वो सारा कुछ यहां पे रहने वाला है। फिर नीचे आएगा तो यहां पर बताएगा कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग जो लिखित परीक्षा में 30% से कम नंबर लाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम आप लोगों को 30% से ऊपर नंबर लाना होगा तो आप लोग का पीटी के लिए यहां पर सिलेक्शन होगा। फिर नीचे आप लोग यहां पर जानकारी दिया गया कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों की आरक्षण बार कोटि 5 गुणों प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी दोस्तों, यहां पर क्या कि आप लोगों का जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो यहां पे किया जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को यहां पे जानकारी दिया गया है। यहां पे बता दूं कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो आप लोगों का पीटी होता है उसके लिए आप यहां पे क्वालिफाई कीजिएगा। लिखित परीक्षा में जो है आप लोगों का कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लिखित पास करते हैं तो आप यहां पे पास माने जाएंगे। लिखित आप पास कीजिएगा तो फिर आप लोग यहां पे पीटी होगा, तो पीटी में अगर आप लोग यहां पे सिलेक्शन होता है तो आप लोग यहां पे जो बहाली है वो आप लोग का किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे जानकारी दिया गया। फिर नीचे दोस्तों, आप लोग का जो सिपाही पद के लिए जो आप लोग का पात्रता है वो यहां पे आप लोग का बताया गया। सबसे पहले आप जो भारतीय नागरिक होने चाहिए तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो सिपाही पद के लिए कम से कम यहां पे आप लोग का रखा गया दिनांक 1/8/2022 तक जो है आप यहां पे इंटर पास होने चाहिए तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहां पे अगर आप इंटर पास है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोग का इंटर पास बताया गया। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आप लोग को बताया कि आप लोग का जो उम्र यहां पे जोड़ा जाएगा वो आप लोग का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आप लोग का लिया जाएगा। तो ये सब आप लोग यहां पे जानकारी दिया
दिया गया है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का शारीरिक मापदंड बताया गया है, ऊंचाई कितना होना चाहिए, सीना आप लोग का कितना होना चाहिए, तो वो सब आप लोग का बताया गया है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं, जनरल वाले हैं, तो ऐसे में 165 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है ऊंचाई होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 आप लोग का रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग का 160 रखा गया है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर जो है हाइट आप लोग यहाँ पे रखा गया है। छाती की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए आप लोग का 81 सेंटीमीटर है बिना फुला है, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर आप लोग का रखा गया है, और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। साथ में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि वजन जो है सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो है 48 केजी होना चाहिए, यानी कि जो लड़कियां हैं उनका कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए तो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया, तो प्रथम चरण में आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, फिर आप लोग यहाँ पे दोस्तों द्वितीय जो चरण होगा उसमें जो है आप लोग का यहाँ पे जो पीटी होता है वो आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो इस तरीके से बिहार पुलिस की तरफ से आप लोग का बंपर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, मैंने आप लोग यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप लोग को इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो आप जो एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जो भी छात्र यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे थे भर्ती के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे जो है अच्छा मौका है कि अभी जो आप लोग का 21,000 पदों पर नई भर्ती जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, गरीब वीडियो पसंद है तो लाइक किया, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।